अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 15, 25 एंड 125 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल देती हूँ, 2, 3, 5 और इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। तो यहाँ हमारे पास इस वक्त तीन वैल्यूज हैं जिन्हें हमें इन प्राइम नंबर्स में से, जिससे ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, उससे कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए। इस वक्त हमारे पास यहाँ तीन वैल्यूज हैं जिनमें 15, 25 एंड 125। तो चलिए इनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ इन तीनों में 5 है, तीनों में से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 से अब देखेंगे इनमें कौन सी वैल्यू डिवाइड हो सकती है। 15 जो है वो बिल्कुल 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। उसके बाद 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। इसी तरह 25 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है और उसके बाद 27 आ जाता है। 25 नहीं आता, 25 डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। 5 से छोटे किसी और टेबल से 25 जो है डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे। और उसके बाद इस 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब हमारे पास है 125, 125 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का भी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तभी वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 3 का मल्टीपल नहीं है यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, ये वैल्यू भी 5 से ही डिवाइड होगी क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ हम 125 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो छोटा नंबर 10 आता है 2 पे। जो 2 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास, अरे बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। इसी तरह ही 25 बन गया, ऐसे भी हमने 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसका HCF या LCM दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम HCF फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ HCF भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हम 25 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और लास्ट में हम लिखेंगे 125 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने देखना है कि हमें ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है जो कि तीनों में मौजूद है। तो हमें यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, ठीक है, जो तीनों में मौजूद है। इसके अलावा 5 यहाँ पे भी हमें 2 में मौजूद नज़र आ रहा है लेकिन तीसरे में नहीं है। हमें ऐसा यहाँ पे जो है फैक्टर चाहिए जो कि तीनों में मौजूद हो, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही है। एक ही 5 एक ही पेयर बना है तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर एक से ज़्यादा पेयर्स बनते तो फिर हम उन सबको यहाँ लिखते जितने पेयर्स बनते और फिर उन सबको मल्टीप्लाई करते तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक ही पेयर बना है इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।